सतीश चंद्र ने बनाई है और अग्रेरियन क्राइसिस की थ्योरी किसने बनाई है इरफान हबीब ने बनाई है अगर हम इन दोनों थ्योरीज की बात करें इसके क्रक्स की बात करें तो आप देखेंगे दोनों में काफी सिमिलैरिटी है देर इज नो ह्यूज चेंज वेन इट कम्स टू दी थ्योरी अंडरलाइंग थ्योरी ऑफ अग्रेरियन और द जागीरदारी क्राइसिस कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट लेट मी टेल यू समथिंग सबसे पहले तो एकता क्या होता था लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट होता था हम क्या करते थे अपने पूरे एम्पायर को एकता में और खालिसा लैंड में तोड़ देते थे खालिसा लैंड क्या होती है क्राउन लैंड होती है अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एम्पायर दो पार्ट में टूटा हुआ है एकता और खालिसा तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी एकता की या खालिसा की एकता की होगी सिंपल राजा सारी लैंड अपने पास रख लेगा तो मतलब क्या होगा कीपिंग दैट इन माइंड खालिसा का परसेंटेज होता है कम हार्डली दस से पंद्रह परसेंट लैंड होती है एम्पायर की जो खालीसा लैंड होती है बाकी पूरी लैंड इकता या जागीर लैंड होती है दिल्ली सल्तनत में जिसको अपन इकता कह रहे हैं ना उसी को रिप्लेस कर दो मुगल पीरियड के अंदर बाई दी टर्म जागीर समझ में आ गया जागीर इज अ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट जस्ट लाइक इकता ट्रेडिशन दिलव डाइनेस्टी कैरिड फॉरवर्ड इन इंडिया अब नेचुरली इतने साल इंडिया के अंदर ये रह चुका है तो इसको अपन बेटर करने लगे और अकबर की reign आते आते हम लोगों ने मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था ये दोनों क्या है अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ठीक से पढ़ेंगे राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जागीर विच आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो मेरे पास में क्या है जागीर क्या है इट्स अ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट मैं किसको दे रही हूँ मैं अपनी नोबिलिटी को ऑफिशियल्स को आर्मी के लोगों को दे रही हूँ इसके तहत ये लोग क्या करेंगे इनको एक टुकड़ा मिलेगा दे विल गेट अ पीस पीस ऑफ ऑफ लैंड लैंड एंड फ्रॉम दैट देयर मेन ड्यूटी इज द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो भी रेवेन्यू वहां से आ रही है उसका कलेक्शन करने का जो काम है वो किसके पास में है जागीरदार के पास में है इस कॉन्टेक्स्ट में जो जागीरदार है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करेगा लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस उसके लिए नहीं है ही विल नॉट बी डूइंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आप पूछेंगे तो मैम ये जो एरियाज हो गए ये जो लैंड हो गई इस पर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है हमारे पास में एक रूरल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है जिसे कहा जाता है जमींदार्स, जमींदार्स वर हेरिडिट्री लैंड ओनर्स जैसे मान लीजिए दिस इज इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स वी हैव हिंदूज हिंदूज की अगर बात करी जाए तो वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गांव के अंदर उनकी तीन पांच छह पीढ़ियां रह चुकी हैं वो ये कह रहे हैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन है ये लाइन तो हमने खूब सुनी है ठीक है ये हमारी पुश्तैनी जमीन है तो जमींदार्स कौन है दीज आर योर लोकल रूरल लैंडलॉर्ड मोस्ट ऑफ द जमींदार्स आर हिंदूज यू विल नॉट फाइंड मुस्लिम जमींदार यू विल फाइंड हिंदू जमींदार बट वेन यू टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ विल बी मुस्लिम किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जमीनदार जो है, इसका राइट है उस लैंड के ऊपर पुश्तों से इसकी जमीन है वो और जागीरदार को मान लीजिए कोई जमीन मिली है जागीरदार को एक एरिया मिला है कि यहां का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन तुम्हें करना है जो जागीर मान लीजिए किसी भी जागीरदार को मिली है उसके अंदर हो सकता है दस जमींदारों की लैंड्स है फिर से समझेंगे जागीरदार को एक जागीर मिली है उसके अंदर मेरे पास मान लो दस पोर्सन ऑफ लैंड है और हर पोर्शन एक एक जमींदार का है और ये उनकी पुश्तैनी लैंड है अब जो भी जमींदार के पास पुश्तैनी लैंड है उसके ऊपर फर्दर प्रजेंट काम कर रहे हैं जो कि गरीब हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं खुद काश्त पाही काश्त मैंने आपको बताया था हमारे पास विलेज के अंदर लैंड ओनर्स होते हैं खोट्स एंड मुकदम्स दीज आर नथिंग बट जमींदार जमींदार का, का काम क्या है अपने एरिया की सब काम जमींदार का है ठीक है जमींदार को अपने एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है और टैक्स का कलेक्शन भी करना है टैक्स का कलेक्शन करके ये किसके हाथ में देता है जागीरदार के हाथ में देता है और इंपीरियल ट्रेजरी के पास में टैक्स कौन लेकर जाता है जागीरदार लेकर जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में सतीश चंद्र ने एक ट्राइंगल बनाया था ट्राइंगल ऑफ ऑपरेशन इस ट्राइंगल के लोएस्ट पार्ट पे बैठे हैं आपके प्रेजेंट Which is Khudkasht and Pahikasht, who are working on somebody else's land. Then I have the second category, which is the Zamindars. These will be maintaining law and order in their traditional land. Apart from that, they will be collecting taxes and they will be giving a portion of that to the Jagirdar. Yeah, mera. जागीरदार टॉप पे अब इसको लगेगा इससे खींच लू इसको लगेगा इससे खींच लू करप्शन की चेन चलेगी इनको हो गई है राजाओं जैसा जीवन जीने की आदत मुगल नोबिलिटी वर्ल्ड के अंदर इतना पैसा खर्च करके कोई नहीं रहता था जितना मुगल नोबिलिटी रहा करती थी कीपिंग दैट इन माइंड टू में लैविस्ट लाइफ स्टाइल कोई तुम्हें कल से कह दे कि नहीं भाई आज से तो भाई हमारा कलेक्शन कम हो गया तुम अपनी लाइफ गिरा लो तो नोबल्स जो है वो बौखला जाएंगे इंस्टेट वो क्या करेंगे वो इनको प्रेशराइज करना शुरू करेंगे और पैसा दे और पैसा दे और पैसा दे और ये कहां से लाएगा पैसा ये इनको परेशान करेगा एक समय के बाद ये जो गरीब लाचार इरिटेटेड हैं वो क्या बोलेंगे रात को चुपचाप सामान पैक करते हैं और सुबह यहाँ से गायब दीज पीपल विल स्टार्ट डिजर्टिंग द लैंड ऑल टूगेदर विच विल लीड टू द डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड दिस अकॉर्डिंग टू इरफान हबीब कॉजे अग्रेरियन क्राइसिस ये ट्राइंगल तो सतीश चंद्रा ने बनवाया था लेकिन इससे अग्रेरियन क्राइसिस पहले समझ में आता है आसान रहता है समझना स्टोरी में क्या है मुझे समझ में आ गया जमींदार कौन है मुझे समझ में आ गया जागीरदार कौन है मुझे समझ में आ गया पेजेंट कौन है पुश्तैनी लैंड है जिसके अंदर आपके पास में हिंदूज ही बैठे हैं हिंदू लैंड लॉर्ड है जमींदार इनकी लैंड पे इनके लिए प्रेजेंट काम कर रहा है अब मान लीजिए कोई मुगल नोबिलिटी में आदमी है उसको अकबर ने बोला कि जाओ भाई ये जो एरिया ये तुम्हें तो जागीर में दे दिया और इसमें से टैक्स कलेक्शन की ड्यूटी तेरी वो वहां पे गया दस जमींदारों से मिला उन्होंने को उसने कह दिया कि भाई तुम कलेक्ट करके और मेरे को इतना पोर्शन दे देना अब जागीरदार को लगे मुझे ज्यादा मिल जाए जमींदार को लगे मुझे ज्यादा मिल जाए और प्रेजेंट को लगे कि हमें बख्श दो कीपिंग दैट इन माइंड ये जो ऑपरेशन की चेंज चल रही है इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज द प्रजेंट यूज टू फ्ली अंडर द बर्डन ऑफ हेवी टैक्सेशन तो यहाँ पे अग्रेरियन क्राइसिस इज नथिंग बट द रिजल्ट की रेट नहीं बढ़ी है ऑपरेशन और करप्शन की रेट बढ़ गई है इसलिए ज्यादा पैसा आ रहा है मैंने आपको बताया था ना जागीरदार जमींदार को बोलेगा जय इससे सौ रुपए लेके आ ये इसको बोलेगा एक सौ पचास रुपए दे पचास रुपए जेब में रख लिए और सौ की पर्ची काट दी और जाके सौ रुपए जागीरदार को दे दिए तो जागीरदार को तो लगेगा कि प्रेजेंट ने सौ रुपए दिए बट एक्चुअली उसने कितने रुपए दिए वन फिफ्टी रुपीज दिए हैं अगर मान लो इसको पता चल गया जागीरदार को पता चल गया कि ये प्रेजेंट से एक सौ पचास रुपए लाया है तो आपको क्या लग रहा है जागीरदार जाके इसको पचास रुपए वापस दे देगा वो इसे कहेगा ला एक सौ पच्चीस से यस और पच्चीस मेरे कीपिंग दैट इन माइंड ऑपरेशन और करप्शन की चेन चलती है जो प्रोडक्शन को हैम्पर करती है लीडिंग टू अग्रेरियन क्राइसिस ये बात हो गई जागीरदारी क्राइसिस की बात करते हैं श सैलरी जितना मेरा एम्पायर का एक्सटेंट बढ़ता जाएगा क्या तुम्हें लगता है कि जागीरदार भी बढ़ते जाएंगे मान लीजिए कि मेरे पास में औरंगजेब की रेन आते आते अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा ये तीन एरियाज का नया एनेक्सेशन हुआ है अब यहाँ पे जो रॉयल डायनेस्टी है उनका हम सबका कतलेआम कर देंगे नहीं हम उनको नोबिलिटी में इंडक्ट करेंगे मार थोड़ी देंगे उनको उनको नोबिलिटी में इंडक्ट करेंगे और नोबिलिटी में इंडक्ट करने के बाद में उनको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में पोजीशन देंगे उस पोजीशन को कहते हैं मनसबदार मनसबदार ये बन गए और मनसबदार को जागीर दी जाती है अपनी सैलरी कलेक्शन के लिए ठीक है अपनी सैलरी कलेक्शन के लिए जो मनसबदार आ रहे हैं तो जितना एरिया बढ़ेगा उतने ज्यादा मेरे पास क्लेमेंट्स आ जाएंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे कि मैं भी मनसबदार हूं मुझे जागीर दो मैं भी मनसबदार हूं मुझे जागीर दो तो एक कारण तो क्या हुआ कितनी जो हमारी एक तरह से एक्सपेंशन हो रही थी उसकी वजह से आई हैव मोर मनसबदार्स एंड लेस दैट जो ऑलरेडी जागीरदार बैठे हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके खानदान बच्चे परिवार सब हैं। mind, है कीपिंग दैट इन माइंड मान लीजिए कि मैंने किसी को ये जागीर दी बाद में उसके तीन बेटे हैं और तीनों के तीनों मुगल सर्विस के अंदर इंडक्ट हो गए तो उसे एक जागीरदार के ऊपर अब मेरे पास तीन आ चुके हैं और उन तीनों को मुझे जागीर देनी पड़ेगी सो so, पुरानी नोबिलिटी जो रिप्रोड्यूस होके बढ़ रही है नंबर वन और उसके अलावा मेरे पास में जो नए एरियाज एक्सपैंड होने की वजह से नोबिलिटी आ रही है जो डिमांड कर रही है जागीरस की इस वजह से सतीश चंद्रा कहते हैं कि मनसबदार तो हो गए ज्यादा और जागीर हो गई कम और इस कारण से हम जब इनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए दिस लेड टू जागीरदारी क्राइसिस मोर ओवर जो सबसे क्रीम पार्ट्स थे मान लीजिए कि जब हमने अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा जो है इनको कैप्चर कर लिया उस टाइम पर हम देखते हैं कि इनका जो सबसे क्रीम एरिया है उसको तो अपन ने क्या डिक्लेयर कर दिया क्राउन लैंड अब जो फालतू गंदे गंदे एरियाज हैं जिनके अंदर से इतना प्रोडक्शन नहीं निकल के आएगा हमारे पास में वो हमने बचे हुए जागीरदार्स को दे दिए अब उस जागीरदार के पास इंसेंटिव ही नहीं है इंसेंटिव कैसे नहीं है पेजेंट बोले कि भाई मेरे को छोड़ दो बख्श दो जमींदार बोले पेजेंट पैसा नहीं दे रहा सबसे घटिया एरिया की जागीर आपको मिली हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टूट रही है तो मैं क्यों किसी फालतू एरिया के अंदर जाकर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करूंगी दैट इज द रीजन जागीर आर ऑल्सो लेस एंड द इंटरेस्ट इन डेवलपिंग अ जागीर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग बोथ ऑफ द रिजल्ट कंबाइंड विल लीड टू जागीरदारी क्राइसिस तो जागीरदारी क्राइसिस क्या है मोर क्लेमेंट ले क्वालिटी ऑफ जागीर वुड एंड इट वॉज डिक्लाइनिंग और इस कॉन्टेक्स में अगर मैं देखूँ की इनका इंसेंटिव खत्म हो रहा है इट कैन अगेन भी रिकनेक्टेड टू दग्रेरियन क्राइसिस की जागीरदार बोलेगा मैं कह को काम करू मैं क्यों करूं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन